इतने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलगा समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 21 जनवरी से 27 जनवरी तक का समय कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस सप्ताह का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, राधा रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि काम शुरू करने से पहले खुद से करें 3 सवाल, मिलेगी सफलता। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि हाल का समय कैसे चल रहा है, अर्थात सुख के दिन है या फिर दुख के दिन है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय के अनुसार कार्य और व्यवहार करता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने सच्चे मित्र के बारे में भी पता होना चाहिए, चाहे वो मित्र नौकरी में हो या फिर व्यापार में हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मित्र के रूप में मौजूद शत्रु की पहचान नहीं कर पाते हैं उन्हें जीवन में सदैव असफलता मिलती है, क्योंकि शत्रु आपको सही सलाह देने की जगह आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ के हालातों के बारे में भी हमेशा आपको जानकारी रखनी चाहिए, साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि कार्यस्थल पर आसपास के लोग कैसे हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता है और उसे कामयाबी मिलती है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति सदैव अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करता है और जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है वो हमेशा परेशान रहता है। साथ ही आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो भी काम करता है उसे ये पता होना चाहिए क्यों वो उस काम को कर पाने में सक्षम है, क्या, क्योंकि इससे कामयाबी मिलने के ज्यादा आसार रहते हैं, इसलिए हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम का परिणाम क्या होगा और क्या मुझे इस काम को करने में कामयाबी मिलेगी। जब इन 3 चीजों का जवाब मिल जाए तो हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाएं। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब दोस्तों थोड़ा कन्या राशि के लोगों के बारे में भी जान लेते हैं, वो कैसे होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। जिन जातकों के जन्म के समय जन्म पत्रिका में चंद्रमा कन्या राशि में स्थित होता है उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, वे हर कार्य को बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही करते हैं। कन्या राशि वालों का रंग सांवला या काला होता है। कन्या राशि के जातक का दाम पर जीवन सामान्य होता है, ये अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं। कन्या राशि के जातक वैज्ञानिक, अर्थक, सन्यासी, सेवक, ठेकेदार, खनन, पेट्रोलियम पदार्थों के व्यवसाय के इत्यादि क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं। इनकी आकर्षक मुस्कान आपको अपनी जरूर आकर्षित करती है। कन्या राशि के जातक जिससे भी बात कर लें वो उसे अपना दोस्त बनाकर ही रहते हैं, आप इनके आकर्षण से खुद को दूर नहीं रख पाएंगे। मित्रों या परिवारजनों में सामना करना ही नहीं आता ही नहीं, ये भेदभाव से अनजान होते हैं। इस राशि के जातक सबको एक समान समझते हैं और एक साथ चलने में बिलीव करते हैं। इनके कम बोलने से आप इन्हें बिल्कुल जज ना करें, क्योंकि जिनके साथ ही मित्रता स्थापित करते हैं उनके सच्चे दोस्त बनकर रहते हैं, ये अपनी दोस्ती जिंदगी भर निभाते हैं। कन्या राशि के जातक ईमानदार होते हैं, इनकी इसी बात पर लोगों को इनसे प्यार हो जाता है, ये दिल में कुछ नहीं रखते, जो भी होता है सामने बोल देते हैं। लड़कियां इनकी फैन होती है, ये अपने एटीट्यूड से सबका दिल जीत लेते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि अपनी बातों को किसी पर लादना पसंद नहीं करते, घर परिवार में प्रेम बनाकर रखते हैं। इस राशि की लड़कियां भी लड़कों की तरह ईमानदार होती हैं, वो बहुत भावुक होती हैं, ये बड़ी बड़ी आंखों वाली और भूरे बालों वाली होती हैं, ये कम बोलती हैं और उनकी मुस्कान बेहद आकर्षक होती है। ये किसी को अपना बनाने में वक्त लेती हैं, उन्हें जांचती परखती हैं, फिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती हैं। इस राशि की लड़कियां किसी को दोस्त बना लें तो दोस्ती मरते दम तक निभाती हैं। और दोस्तों कन्या राशि की लड़कियों को कम बोलने वाले लड़के आकर्षित करते हैं, ये गंभीर दिखने वाले युवकों की ओर आकर्षित होती हैं। इस राशि की लड़कियों को अगर प्यार हो जाए तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अक्सर अपनी इन भावनाओं के चलते उन्हें धोखा भी खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनका प्यार कम नहीं होता। कन्या राशि के लोग सबकी सुनते हैं लेकिन ये अपनी दिल की बात किसी शेयर नहीं करते। अनजान लोगों को मित्र बना लेने वाली इस राशि की लड़कियां अपने दिल में तूफान तक समेट सकती हैं। इस राशि के जातक दिल के थोड़े कमजोर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस सप्ताह का कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला समय, आइए जानते हैं। चंद्रमा कन्या राशि के जातकों के लिए उनके 7वें, 8वें और 9वें घर में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में विवाह और साझेदारी के 7वें घर में चंद्रमा का गोचर आपके मूड मुख्य रूप से आपके साथी और आपके प्रियजनों के व्यवहार से इस दौरान प्रभावित होगा। आप दूसरों की जरूरत के प्रति अधिक
अधिक सहानुभूति रखेंगे और आपको अपने साथी की देखभाल करने की इच्छा होगी। हालांकि अगर रिश्ते में कोई समस्या है तो टकराव की संभावना भी बन सकती है। आपका साथी इस दौरान बहुत मूडी हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपकी व्यावसायिक भागीदारी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आपका कोई दुश्मन है तो स्थिति में कुछ परिवर्तन आ सकता है। ये या तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरी तरफ आप फिर से सुलह और समझौता कर सकते हैं। आपको नए लोगों से मिलने और गुणवत्ता पर बातचीत करने की इच्छा होगी। और दोस्तों, मध्य सप्ताह में गुप्त विज्ञान, वंशानुक्रम अनुसंधान और अचानक लाभ आने के आठवें घर में चंद्रमा का परागण गहराई से चीजों को पता लगाने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगा। आप इस दौरान बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं रहेंगे, बस काम की बातें करना पसंद करेंगे। आप अच्छे अनुभव की तलाश करेंगे और गहरे संबंध बनाना चाहेंगे। आपको जीवन के बारे में हर चीज का विश्लेषण करने की इच्छा भी हो सकती है। आप अनुसंधान कर सकते हैं, समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको ज्योतिष मनोगत विज्ञान में बहुत रुचि होगी या आप एक डरावनी फिल्म देखने के मूड में हो सकते हैं। बाकी के नौवें घर में चंद्रमा की गोचर से स्वतंत्रता की इच्छा जागेगी और काम पर आपकी प्रगति की गति थोड़ी धीमी होगी, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको लाभ कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अपने घरेलू वातावरण में कुछ सुधार देखेंगे। आपके पिता के साथ आपके संबंध भी एक नए आयाम तक पहुंचेंगे और आप आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि लेंगे और इस दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद भी करेंगे। राशि के प्रेम प्रेमिकाओं को इस सप्ताह शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान अपने साथी जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद आप लेते हुए देखेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्ते में विश्वास और स्पष्टता लाने के लिए अपने प्रिय के साथ संचार माध्यमों को स्पष्ट रखें। विवाहिता के रिश्ते में रोमांस और आनंद देखने की संभावना है। आप और आपका साथी हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करते देखेंगे। आप ससुराल वालों के साथ मिलनसार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का इस सप्ताह का कन्या राशिफल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस सप्ताह का कन्या राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।